हमारी तो टीम से प्रकाश इलेक्ट्रिकल आइए, आपको दो स्विच दो सॉकेट का कनेक्शन कैसे किया जाता है ये हम आपको सबसे आसान तरीका बता रहे हैं। जैसा कि देखिए इसमें हमारा ये केस है, हमको इस दोनों सॉकेट को हमको इन्वर्टर से कनेक्शन करना है, ये हमारा फेस है, इसको हमको नहीं जोड़ना है, इसलिए नहीं जोड़ना है कि ये हमारा लाइन से रहेगा, ये हमारा इन्वर्टर है, जो दो पीला तार है दो जगह से आया है, हमारा इन्वर्टर का तार है। तो हम क्या करेंगे, देखिए छील दिए हैं डबल डबल कनेक्शन करने के लिए, इसको हम जोड़ लेंगे, इसमें तार को मैं लिया जाता है को बढ़िया से और तब कसा जाता है ताकि शॉर्ट सर्किट होने का डर ना रहे। देखिए हमारा ये कनेक्शन हो गया स्विच में, अब हमको क्या करना है कि ये हमारा अर्थिंग है, देखिए ये तीन जगह से हमारा अर्थिंग आया है, तो हम क्या करेंगे ये तीनों तार अर्थिंग का आपस में हम लूप कर लेंगे, उसके बाद से इतना बड़ा एक रॉड काट लेंगे दोनों सॉकेट में देने के लिए। और हम अर्थिंग वाले जो टर्मिनल होता है अर्थिंग वाला उसमें हम कस देंगे, देखिए इसमें हम क्या करेंगे कस देंगे, हमारा अर्थिंग वाला टर्मिनल में कसा गया। अब हमको क्या करना है कि ये हमारा न्यूट्रल है, देखिए ये न्यूट्रल है, तो ये कम छोटा सा तार ले लेंगे, तार दीजिए तो एक छोटा सा तार ले लेंगे यहाँ से यहाँ तक के लूप करने के लिए, देखिए काला सा तार इतना छोटा सा ले लेंगे हम लूप करने के लिए, हमारा हो गया। और क्या करना है यहाँ पे हम क्या करेंगे इसमें डाल देंगे इस वाले सॉकेट में, न्यूट्रल कभी भी बाएं साइड में डालना चाहिए और फेस कभी भी दाहिनी साइड में डालना चाहिए, देखिए बाएं साइड में डाल रहे हैं इसको, अब हमारा ये कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हमको क्या करना है स्विच से सॉकेट में देना है और इस स्विच से इस सॉकेट में देना है, काट दीजिए तो दोनों का कनेक्शन कर दिए यहाँ से यहाँ तक, अब उनको क्या करना है तार बीच में काट लेंगे, आसानी से हमारा काम हो जाएगा, उसके बाद तुम तार को मैल लेंगे, तार मैल करके अपना फोन कर सकते हैं। हमारा कनेक्शन फाइनल हो गया, इसका पूरा टोटल कंप्लीट फाइनल हो गया। अब हमको क्या करना है इस स्विच बोर्ड को कटना है, ये हमारा लाल तार का फेस है जो इसका काम नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसमें टेप मार करके और हम रख देंगे, इसमें टेप मार करके हम रख देंगे। अब हमारा कनेक्शन पूरा कंप्लीट फाइनल है, अब सिर्फ हमको बोर्ड को कसना है, तो हम क्या करेंगे तो बढ़िया से मसाला झाड़ दिया जाता है, उसके बाद से तार जितना भी है अंदर करके और तब हम इसको यहाँ पे कंप्लीट तार इकट्ठा करके और इसमें हम कस देंगे।